देखो सुबह उठते ही मुझे ये देखने को मिला यार, ये देखो बैलेंस कैसे कर लेते हैं आप। यार वो लकड़ी पे ही डांस कर रहा, देखो तो। ओ शिट, आलू के पराठे की तैयारी चल रही है। लाल मिर्ची डालने वाला है क्या? नहीं, मैं खरीद लूंगा। डालो ना, चटपटे बनाओ, सब काम करवा लो। बताओ मुझे, ऐसी कुर्सी पर बैठना है, ये पता नहीं कौन पी करके चला गया इस पर। अरे पी नहीं है, ये पानी है और कुछ नहीं है। अभी इसको साफ करके बैठूंगी मैं अपने, मुझे इसलिए मैंने इसको रख दिया। इस पर बैठूंगी अभी मैं। हाँ तो चलो अपना कन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं। तो अभी पराठे खा लिए मैंने यार, एक से दूसरा नहीं खाया मैंने, पता नहीं क्यों। मुझे लगता है कि किसी दिन शायद मैं खाना खाना ही छोड़ दूंगी, मोह माया सब त्याग दूंगी मैं। गाइस देख सकते हैं आप, जरा सी भी धूप नहीं निकली हमारे इधर पे, देख सकते हैं आप, बिल्कुल भी धूप नहीं निकली है। चारों तरफ कोहरा छाया हुआ है, मुझे तो कुछ दिख भी नहीं रहा है, इतना ज़्यादा कोहरा है। अभी तो मैं नीचे जा रही हूँ, बाय बाय, काय की बाय, अभी ब्लॉग ही ख़त्म नहीं हुआ, बाय। हर तरफ मस्त मैं बाय करती रहती हूँ। आज मैं क्या है, पूरा दिन फ्री हूँ तो ठीक है, यूट्यूब पर तो मैं ऐसे बना लूँगी ब्लॉग, बट इंस्टाग्राम पे ठीक है। तो अभी मैं चेंज कर लेती हूँ और बढ़िया मस्त रेडी होके मिलते हैं। ये देखो मछली बाजार ऐसे फैला रखा है मैंने एक वीडियो के लिए इतना सारा। मतलब यार सब कुछ साफ करो, वीडियो बनाओ और फिर जैसे कहते फिर रखो। अरे यार लाइट नहीं आ रही यार, फोन डिस्चार्ज है बिल्कुल। मैंने ब्लॉग ही नहीं बनाया, एक यूट्यूब शॉर्ट बनाई अकेली वीडियो। आज संडे है ना तो शायद लाइट नहीं आएगी यार, फोन डिस्चार्ज हो रहा है मेरा, मुझे मेरा मूड खराब हो रहा है, मुझे क्या करूं यार। चारों तरफ साफ सफाई तो कर ही दी है मैंने, फैला दिया था चारों तरफ मछली बाजार और उसको मैंने साफ कर दिया है। फिलहाल यहाँ कपड़े टंगे रहते हैं ना तो उनको हटाना पड़ता है यार, बैकग्राउंड अच्छा नहीं लगता फिर, तो इस वजह से वो भी हटा दिए और ऐसे ही रख दिए मैंने। और अब क्या करना पड़ेगा मुझे, सब कुछ करने के बाद फिर से जैसे कि तैसे इधर वापस टांगने पड़ेंगे, क्योंकि फिर मम्मी उठेंगी अपनी नींद से और फिर वो मेरे को डायलॉग सुनाएंगी। वो तो अच्छी है सुबह फ़ोन चार्ज कर लिया मैंने यार, नहीं तो क्या होता यार, मेरा इतना दिमाग खराब होता आज कि मैं बता नहीं सकती, तहस नहस कर देती मैं सब कुछ। यार मैंने सोचा था कि आज बहुत सारी वीडियोस बनाऊंगी, ब्लॉग बनाऊंगी, सब कुछ करूंगी, और आज लाइट भी नहीं आ रही है। कितने 2 बजने वाला है, अभी तक लाइट नहीं आई है। मेरा फ़ोन 26% चार्ज बचा है यार, लाइट वालों ने सब गुड़गुड़ कर दिया, मर जाने यार। मैं अपने फ़ोन का बिल्कुल दम घोट दूंगी यार, लाइट का तो पता नहीं, पर मेरे को ना एक बहुत टाइम से ना एक आइडिया आ रहा है, मतलब आइडिया क्या, मेरा बहुत ज़्यादा मन हो रहा है कि मुझे ना मतलब ये मन हो रहा है मेरा कि आप लोगों ने नन मूवी देखी है, नन हॉरर मूवी है, तो उसमें जो भूतनी है ना मेन रोल है जिसका, उसका गेटअप लेना है, मतलब उसका लुक रिक्रिएट करना है मुझे। तो मैं सोच रही हूँ मैं एक बार नन बन के देखूँ, मतलब उसके जैसा मेकअप करूँगी, भूत बनूँगी मैं, मतलब प्रैंक नहीं करना है मुझे किसी के साथ ना, मैं मुझे किसी को डरवाना है, मतलब ऐसे ही मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है, ऐसे मैं हॉरर लुक बनाऊँगी अपना, एक बार मस्त वीडियो बनाऊँगी। तो बनाऊँ कि नहीं आप बताओ, बनाऊँ कि नहीं बनाऊँ, मुझे ना इच्छा तो बहुत हो रही है, मेरा मन हो रहा है कि मैं बनाऊँ। मैं कितनी याद वादे करती हूँ यार, आएगी तो अभी ना, ये पीछे मैंने खाली किया था ना, ये जैसे कि तैसा मुझे करना पड़ेगा, वरना अभी समझ सकते हो आप लोग मुझे सुनने को मिल जाएंगे बहुत ज़्यादा। तो सबसे पहले मैं ये सारा कुछ रख दूँ ठीक है, आप इधर ही बैठे रहना ठीक है, इधर से नीचे मत कूद जाना, जंप मत लगा देना, सुसाइड मत कर लेना, वरना मेरे फ़ोन के साथ आपकी भी ठीक है। ओके बैठ रहा हूँ, यार मैं सोच रही हूँ जब तक लाइट नहीं आ रही है मेरा फ़ोन भी डिस्चार्ज है, वरना और पापा बाहर गए हैं, अगर वो कॉल करेंगे तो कॉल नहीं लगेगा, इस वजह से मैं फ़ोन अपना बंद करके रख रही हूँ। और जब तक कुछ खा के टाइम पास करते हैं। क्या बना था सुबह, आलू के पराठे बने थे, रखे होंगे अगर तो अच्छा है, वरना मैं खाना नहीं खाऊँगी। तो मुझे अभी आलू का पराठा मिल गया है, तो मैं इसका रोल बना के खाऊँगी, ऐसे खाने में बहुत मज़ा आता है ऐसे।
हमारे इधर इतना नॉइस पॉल्यूशन होता है कि क्या ही बताऊँ। वीडियो बनाती हूँ ना, वीडियो में इतनी ज़्यादा आवाज़ें आती है, इतनी तो मेरी नहीं आती जितनी पीछे इधर आगे पीछे से अगल बगल से आती है। ठीक है, कहाँ तक सुनेंगे, हमारे तो रोज की है। लाइट नहीं आ रही यार। पास का तो अच्छा, हर चीज में टमाटर जरूरी है। स्वाद है, वो तो स्वाद है, अपनी अपने स्वाद अनुसार बनती है। इतनी वहां भाई आज खिचड़ी टमाटर डाल के साबुदाने की घर भी डाल के दे दिया। भाई आ जा, गई मांगी मम्मी दे दियो हमें। मम्मी दे दियो, मुझे नहीं खाना ये सड़ी खिचड़ी। छोटे मोबाइल से छोटा टप, बड़े मोबाइल से बड़ा टप। इतनी महंगाई हो गई कि टप में और मोबाइल में कोई फर्क नहीं है, बताओ। खाना खाती हूँ ना तो मैं या तो ओगी लगा लेती हूँ, तारक मेहता का उल्टा चश्मा लगा लेती हूँ, फिर खाना खाती हूँ। तो अभी मैं लगाऊंगी, खाना खाऊंगी, उसके साथ साथ फिर मिलती हूँ आपसे। ये बहन जी 300 के 4 300 के 4 300 के 4 तकिए ले जाओ बहन जी 300 के 4। अरे आज क्या हुआ कि सुबह ना एक तकिए वाला आया था, ठीक है, एक तकिए वाला आया तो है ना मुझे आवाज़ आई। मैंने मम्मी से बोला कि यार, मतलब मैंने मम्मी से बोला कि मम्मी मुझे लेना है, लेना है, क्योंकि मैं बहुत टाइम से बोल रही थी वो वाले जो पुराने तकिए हैं ना इतने ज़्यादा खतरनाक तरीके से मतलब खूंखार हो गए कि उन पर लेट होना तो सर में पता नहीं क्या हो जाता है, दर्द होने लगता है। तो मैं बहुत टाइम से बोल रही थी तकिए लेना है, तकिए लेना है, ठीक है। मैंने रोका भैया को, तो मैंने देखा अच्छे लगे मुझे ये, मैंने ले लिया, मतलब 300 के 4 दे रहा था वो। तो मम्मी ने बोला 4 तो हमें लेना नहीं है, 2 चाहिए, मुझे चाहिए थे अकेले, तो है ना 2 कितने में दे रहे हो। तो उन्होंने बोला कि मैम 250 में 2 दे रहे हैं आपको, अब बताओ 300 के 4 दे रहा है 250 में 2 दे रहा है। मम्मी ने बोला कि मतलब फिर उन्होंने बोला कि 200 में, मम्मी फिर 100 रुपये दे के आ गई। वैसे ये बताओ कि कलर कैसा लग रहा है इनका, ये मैंने चूज़ किया है कलर अच्छा है ना, वो मैंने इसलिए किया है डार्क कलर चूज़ क्योंकि ये जल्दी से गंदे नहीं हो गए ना इसलिए, और फिर इनको धोना नहीं पड़ेगा क्योंकि ये धोने लायक लग नहीं रहे हैं मुझे, और इनमें चैन भी नहीं लगी है कि हम इनको खोल के और धो लें, क्या पता इनको धो लिया ये पिचक गए फिर। सो इसलिए गाइस ऐसे हाथ डाल के बैठ जाऊँ ताकि बंदर आए, बाइकॉट भी करता, मगर बंदर आ गया ना तो मेरा फ़ोन वोन सब ले जाएगा और मैं ऐसे ही बैठी रह जाऊँगी। मैंने कुर्सी के बीच में अपने हाथ फंसा लिए। हाँ तो ठीक है, अभी आएगा नहीं, वैसे ही मुझे देख के भाग जाएगा मेरा भेज देख कर। ऐसे मेरे हाथ फंस गए यार, अरे भाई साहब, यार व्लॉग बना रही है, क्या कर रही है तू पूर्वी, मतलब उसकी स्मेल जो है ना उसमें से मतलब आ नहीं रही है। ऐसे ही मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि मैं धूप में रख दूंगी इनको तो ठीक रहेगा, थोड़ी क्या है जैसे नए कपड़े बहुत ज़्यादा टाइम से दबे हुए हैं, ऐसे दबा के रख दो तो उनमें से अलग ही स्मेल आती है, तो ऐसे ही इनमें से आ रही थी। मैंने सोचा था कि मैं इनको धूप में रख दूंगी तो अच्छी, फिर इनकी जो बदबू बदबू है वो निकल जाएगी। और यार उल्टा हुआ फिर मेरे साथ, अभी इनमें से इतनी गजब की बदबू आ रही है कि ऐसे लग रहा है जैसे कोई सी बस होती है ना, बस उसको बहुत ज़्यादा धूप में और गर्मी में खड़ा कर दो तो उसमें से आती है ना बहुत अजीब सी स्मेल। यार इन पे मैं सर रख के कैसे सोऊंगी, एक काम करूं मैं इस पे ना अपना परफ्यूम डाल दूंगी तो ठीक रहेगा। और देखो मैंने ऐसा माल लिया है कि अगर, हाँ चलो ठीक है, पर यार बहुत ज़्यादा ऐसे लग रहा है कि मैं बस में बैठी हूँ। यार मैं कभी ये स्मेल लेना नहीं चाहती, मैं फीलिंग भी नहीं देना चाहती। जब मैं कॉलेज वाले जाती थी ना गर्मियों में, मेरी हालत टाइट होती थी, बिल्कुल ऐसी बदबू आ रही यार। अब मेरे हाथों में से आने लगी, ऐसे सेटअप जमा के बना रही थी मैं वीडियो। देखो गाइस ये मैं दिखा रही थी आपको, एक इधर रखा था, इसके यहाँ पर मोबाइल रखा था ऐसे करके, और यहाँ से मैं बैठ के आपके लिए बता रही थी। तो अभी चलो नीचे चलते हैं, सबको उठा के और साबुन से हाथ धोएंगे, इस पर परफ्यूम लगाएंगे। अरे यार फ़ोन रखना पड़ेगा गाइस, खुशबू तो ले, सारे यंत्र तो नहीं है, खुशबू तो ले यार, उस तो नहीं मुझे, खुशबू तो ले ये।
कितनी बुरी बदबू आ रही है उनमें से, बस जैसी रोटी की सब्जी की चीज बना रही है मम्मी। तो जो तो मुड़ी यही पे रखा जाने गंद बुरी बारी हम तो देख रहे थे। खुशबू लियो, खुशबू लियो दादी, खुशबू लियो, खुशबू लियो, खुशबू खुशबू लियो, खुशबू खोल चढ़ा दियो जो कर रहे धूप में रखे थे सो ऐसी ही आ रही, बस में आज जैसी आ रही, बस जैसी नहीं आ रही। एक तकिया में मैं परफ्यूम लगाऊंगी अपना, ये वाला ऐसा है तो ये अनुज को दे दूंगी, क्योंकि ये बीच में से ऐसा है, ये वाला मैं ले लूंगी सीधा, ये मैंने कर दिया ऐसा था नहीं। पर एक तकिया में परफ्यूम डालना, एक ले लो जो चाहिए। बहुत गुस्सा हुई वो मेरे से, बहुत ज्यादा गुस्सा। आहा क्या खुशबू है, अरे यार ज्यादा परफ्यूम डल गई यार, ज्यादा परफ्यूम डल गई यार। क्या एक काम करता है, इसकी परफ्यूम ना रजाई में मिक्स कर देती हूँ मैं, डिवाइड हो जाएगी। इसको ना इसके अंदर डाल देती हूँ मैं, हट जा यार, इधर बीच में रख दूँगी और इसके ऐसे कर दूँगी। ये मेरी देखो प्रिंसेस, बहुत ज़्यादा डल गई यार परफ्यूम, ये मिक्स हो